आज की इस कक्षा में हम परिमेय संख्याओं के योग के गुण के बारे में जानेंगे। पहला गुण है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह है संवृत गुण, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/4 और इसमें हम जोड़ते हैं -3/5। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसे हम जोड़ते हैं तो 4 और 5 का हमारा लसा होगा 20, और यहां 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर हमारा 15 आएगा। इस तरह के जोड़ हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। फिर 5 से यहां देंगे तो 4 और 4 3 आए 12, ये हो जाएगा हमारा -12। तो यहां हमारा उत्तर हो रहा है 15 जोड़ -12, तो इसको हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं 15 घटाओ 12/20, यानी 3/20। हम यहां देख रहे हैं कि 3/4 भी परिमेय है, -3/5 भी परिमेय है, तो इनको जोड़ने से जो हमारा रिजल्ट आया 3/20, यह भी परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, -1/2, फिर -2/3, है ना, ये जोड़ रहे हैं हम, है ना, ये हमारा जोड़ है। थोड़ा सा इसे हम फिर से और साफ से लिख देते हैं, जोड़ माइनस, है ना, -1/2 जोड़ -2/3। तो ये हमारा जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और ये -2/3। अब हम जो क्रिया है वो करेंगे तो लसा निकालेंगे, अर्थात इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का तो 6 होगा, और यहां पर आ जाएगा -3 और यहां पर आएगा 4 -4, तो ये हो गया -7/6। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह -1/2 ये भी परिमेय है, -2/3 ये भी परिमेय है, तो हमारा रिजल्ट आया -7/6 और ये भी परिमेय है। इसे हम कहते हैं संवृत्त। तो हम इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं, अतः परिमेय संख्याओं के योग में संवृत्त नियम लागू है। या संवृत्त गुण लागू है, या संवृत्त गुण होता होता है। दूसरा गुण जो हमारा होता है परिमेय संख्याओं के योग का, वह है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। और इसे में अंग्रेजी में हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ,
या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे भी हम उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एक बटा चार और एक परिमेय संख्या, और दूसरा लेते हैं दो बटा तीन या ये माइनस दो बटा तीन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका लसा या एलसीएम निकालते हैं। चार और तीन का लसा होगा बारह, और यहां पर हो जाएगा तीन प्लस, और ये हो जाएगा माइनस आठ। ठीक है, और इसे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आठ, ये प्लस और माइनस होकर माइनस हो जाता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। बारह, तो ये आ गया हमारा माइनस पांच बटे बारह। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देंगे, अर्थात माइनस दो बटे तीन पहले लिखेंगे और एक बटा चार को बाद में लिखेंगे। अब इसे जोड़ के हम देखते हैं, तो ये फिर एलसीएम हमारा बारह हो गया, और यहां फिर वही आठ होगा, और यहां वही तीन होगा, तो ये पुनः हमारा माइनस पांच बटे बारह आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दें जोड़ में, तो कोई अंतर नहीं आता है उसके रिजल्ट में। अगर हम इसको पहले लिखे हैं एक बटा चार को और इसको बाद में लिखे हैं तो भी यही रिजल्ट आ गया, और यहां इसका क्रम बदल दिए तो भी यही रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से अगर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहां ए और बी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी परिमेय संख्याएं हैं। अतः हम इसे कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अर्थात हम कोई भी क्रम, किसी भी क्रम में अगर हम इसे जोड़ेंगे परिमेय संख्याओं को, तो उसका रिजल्ट एक ही होगा। परिमेय संख्याओं के योग का दूसरा गुण है साहचर्य गुण। इसे भी हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक हम ले रहे हैं परिमेय संख्या दो बटा तीन जोड़, और ये ब्रैकेट में हम ले रहे हैं दूसरी संख्या माइनस माइनस तीन बटा पांच, माइनस तीन बटा पांच जोड़ जोड़ पांच बटा छ। अब इसे हम हल करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसे हम पहले करते हैं, तो हम इसे पहले करेंगे, तो पांच और छ का हमारा एलसीएम हो गया या लघुत्तम लसा हो गया 30, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 18 और यहां हो जाएगा 25, तो ये हमारा आएगा 2 बटा 3 जोड़ 7 बटा 30। ठीक है,
सॉरी सॉरी, यहां पर थोड़े देखो गलती हो गई है। हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब फिर इसका लसा निकालेंगे, तो ये 30 आएगा और यहाँ 20 और ये जोड़ 7, तो ये 27/30। और इसे अगर हम मानक रूप में लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/10। अब हम इसे दूसरे तरह से सजाते हैं, 2/3 - 3/5। इसे इस बार ब्रैकेट में ले रहे हैं और ये 5/6। तो यहां पहले ब्रैकेट वाली क्रिया हम करेंगे, तो ये 5 3 15 हो गया और 3 5 6 5 2 10 और यहां पर हो जाएगा 5 3 और ये हो जाएगा -9, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/15 और ये है हमारा 5/6। और इसका हम लसा निकालेंगे तो फिर आएगा वही 30 आएगा, तो ये हो गया 2 हो जाएगा और ये 6 5 और 5 5 25 हो गया, तो ये फिर हमारा आ गया 27/30। ठीक है, और इसको मानक रूप में अगर हम करेंगे तो ये फिर आ जाएगा 9/10। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से हम इसको दो बार हम एसोसिएट किए हैं, इसको ग्रुपिंग किए हैं, एक बार इन दोनों परिमेय संख्याओं को, दूसरी वाली और यहां पहली दो को, तो इससे जो रिजल्ट आया, हमारा जो उत्तर आया, वहां कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। पहले वाले में भी हमारा 9/10 आया, दूसरे वाले में भी 9/10 आया। अगर हम इसे इस तरह से प्रदर्शित करना चाहें तो सामान्य रूप से हम इस तरह से लिख सकते हैं, a+b+c बराबर a+b+c। और ये ए बी सी क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इसे अब हम लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं के योग में साहचर्य नियम लागू होता है।